हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर कोई गलती हो गई वीडियो में तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी। अभी मैं सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ। नहा धोकर आकर मैं पूजा करने आई हूँ। ये छोटा सा मंदिर है और ये मेरा घर का आंगन आगे का, ये मेरा बरंडा है आगे का घर का। ज़्यादा कुछ नहीं है घर में, ये छोटा छोटा फूल लगाया मैंने। अभी लॉकडाउन के वजह से कहीं मैं जा भी नहीं सकती। फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मंदिर के बर्तन को मैं रोज़ धोती हूँ, ये भी थोड़ा शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। मेरा पूजा हो गया, अभी मैं दरवाजे को बंद करके फिर बाहर पानी लेकर आके फिर भर करके रख दूँगी। मेरे को हिंदी नहीं आता है फ्रेंड्स इतना अच्छा से, मैं हिंदी कोशिश करूँगी अच्छे से बोलने के लिए। मैं हिंदी बात करना मुझे अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। फ्रेंड्स, अभी मैं लंच का टाइम शुरू कर रही हूँ। ये रही बीन, आलू की भाजी बनाऊंगी, दाल और भात। आप लोग देखते जाइए, अगर आप मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, दाल बना रही हूँ, सिंपल खाना बना रही हूँ, दाल और बीन की सब्ज़ी बनाई हूँ। अभी तो लॉकडाउन का समय है, बाहर भी नहीं जा सकता है, तो सिंपल से खाना बना रही हूँ। आलू बीन्स की सब्ज़ी और कुछ नहीं। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है फ्रेंड्स, मैं ज़रूर बाहर का व्यू आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। इतना अच्छा से नहीं आता है, फर्स्ट टाइम किया है यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाया, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा से नहीं आता है फ्रेंड। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता प्लीज़। और फ्रेंड्स, ये असमिस में इस मछली को गोरे मास कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम लोग को नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं। इसको हम लोग पिटिका, गोरे मास पिटिका बोलते हैं फ्रेंड्स। अब बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, और इसको खा के देखिए एक बार, चटनी बना के अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, बाहर में कुछ मिस्त्री काम कर रहा है, आज आवाज़ आ रही है शायद आपको। मैं दिखाऊंगी बाद नेक्स्ट ब्लॉग में क्या कर रहा है। पड़ोसी का घर में कुछ काम कर रहा है तो मैं नहीं दिखा सकती अभी, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। देखते रहिए प्लीज़ वीडियो को। आप लोग इस मछली को ऐसे या फिर चूल्हे में भी आप लोग जला सकते हैं, चटनी बना के अच्छा लगता है खाने से। यह है हमारा आज का लंच। मैं ज़रूर अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स, देखते रहिएगा और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के सब्सक्राइब करने पर ही मैं आगे जा सकूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।